बच्चों में बड़ों के प्रति उदासीनता की अधिकतर स्वभाव के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम देख रहे थे कि आज के बच्चों में कोई कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, ये बड़ा होगा, उसकी जगह होगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या इससे लेना देना, ऐसा एक नेग्लेक्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दिखने में आता है। और कुछ लोग इतने ज़्यादा होशियार हो जाते हैं जो, और एक ऐसा है जमाना जिस जगह पर आप देखो तो बड़े से बड़े आदमी को भी थोड़ा भी इज्जत नहीं दिया जाता है, और एक तरफ एकदम जहाँ कोई ज़रूरत नहीं हो वहाँ यूँ तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। ये दोनों चीज़ें इतने डिसबैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड हो गए हैं कि इसके कारण कई जगह पर रिश्तों में खटास आ जाता है, क्योंकि कई शादियों के बाद भी पति पत्नी में पहले इतना मिठास होता है, उस मिठास को असली समझने वाले दोनों धीरे धीरे असली रूप में जब आते हैं तब वो कहने लगते हैं कि पहले तो हमारे में संबंध बहुत अच्छा था लेकिन आजकल में हमारे संबंध में कुछ दरार आ गया, असली में कोई संबंध में कुछ अच्छाई था ही नहीं, पहले थोड़ा सा झूठा नाटक था, जब वो झूठा पर्दा हट गया तो असलियत खुल गया और जीवन में खरास आ चुकी है। आजकल तो बहुत कॉमन है कि घर में कोई अच्छे बड़े रिश्ते वाले बुजुर्ग अंदर आए हों और बच्चे अपने आराम से बैठ करके रिमोट में कुछ ऐसे बटन दबाते हुए टीवी देख रहे हों और वो आदमी जो आया हुआ है चल के अब उस बच्चे का कंधे पर हाथ लगा के बेटा पापा कहाँ है तब पूछे, तब उनको देख के आप आए हैं क्या ये भी नहीं पूछता, उनको देखते ही बोलता है अंदर से आवाज़ देता मम्मी कोई आए हैं अंकल, इतना ही वो बेचारा वो खड़ा ही रहता है। या तो हम आजकल बच्चों को बराबर अपने आए हुए रिश्तों को संभालने समझाते नहीं हैं, या बच्चे भी आज के व्यवहारिक जगत में रह के किसी को इज्जत देना कोई ज़रूरत ही नहीं ऐसे समझते हैं। हर कॉलेज में कुछ न कुछ द्वेष के नारे लगते हैं, हर स्कूल में कुछ न कुछ लपड़े होते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं हंगामा होता है। आप YouTube के वीडियो खोल के देखेंगे तो कमेंट्स पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे जिनको आदर देने लायक माँ पुरुष हैं उनके वीडियो के नीचे भी ये फ्रॉड है, ये लुच्चा है, ये लपंगा है, यानी जिसको हम जानते ही नहीं है, हमने उनको पास में रह के परखा तक नहीं है, उनके बारे में हम कुछ ना कुछ बोलने में हिचकते नहीं है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं अपने वाणी की स्वतंत्रता, आज के हिसाब से इंडिपेंडेंसी ऑफ टॉक, या अपने जीवन का लाइफ सेक्शन ऐसा बना लिया कुछ भी समझे। और एक तरफ देखे तो ऐसे मीठे मीठे बोलने वाले आपको मिलेंगे, आप होंगे बिल्कुल अपने बुद्धि से भी बराबर नॉर्मल और रेगुलर, लेकिन वो कहेगा आप इंद्र हो, आप चंद्र हो, आप में भगवान हो, आप जैसे इस दुनिया में देखा ही नहीं है, आप साक्षात ईश्वर के अवतार हो, ये सब हमको ही एकदम लगेगा कि कहाँ अपन कोई स्वर्ग लोक में आ गए हैं या कहाँ आ गए हैं, ऐसी बातें करके हमको फंसाने वाले भी बहुत मिलेंगे। इस इम्बैलेंसी के बारे में, इस असंतुलन के बारे में हमने पिछले प्रवचन में देखा कि एक व्यक्ति कैसे अपने बेल को प्रशंसा कर करके फंसाता है, बेल भी कैसे मेहनत कर करके उसके लिए पूरी जिंदगी निचावर करता है और उसको वो घास देता है, खुद दान खाता है, उसको छिलका देता है और अंदर का पूरा रस ये लेता है, उसको चावल का पानी देता है और चावल ये खा जाता है, त्यौहार में उसको खुद पहले जो चीज़ खाना खा लेता है बासी पूसी उसको कैसे डालता है, प्रशंसा कैसे व्यक्ति को वश में करता है, उसी प्रशंसा से कितना नुकसान होता है, इसके बारे में हम पिछले प्रवचन में एक कहानी के द्वारा अच्छे से